माँ बगलामुखी धाम नजदीक लम्मापिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने नवग्रह, पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, माँ बगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने आए हुए मां भक्तों से अपनी बात करते हुए कहा कि बुजुर्गों ने कहा है कि जब कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो साफ है कि वह आपको अपने से ऊपर समझता है। यह भी सच है कि निंदा करने वाला आपके किसी दोष की ही निंदा करता है। दूसरे शब्दों में, मैं चाहता है कि आपके अंदर दोष ना रहे, इसलिए हमें अपनी निंदा सहन करने की भी आदत डालनी चाहिए तथा निंदक द्वारा दर्शाई गई अपनी बुराई पर काबू पाना चाहिए, जिससे एक ना एक दिन हम दोष मुक्त हो जाएंगे। हवन यज्ञ के दौरान सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा गया। इस अवसर पर समीर कपूर, रमाकांत शर्मा, रोहित बहल, बाबा जोशी, अमरिंदर कुमार शर्मा, मुकेश चौधरी, विक्रम भसीन, अभिलक्ष चुग, अशोक शर्मा, जसविंदर सिंह, गुरबाज सिंह, गुलशन शर्मा, संजीव, राजेश महाजन, गितेश, यज्ञदत्त, अश्विनी शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, मानवी भार्गव, राजीव, राकेश, ठाकुर बलदेव सिंह, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस, दिनेश चौधरी, पंकज, पप्पू, दीपक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। प्रकट करते हैं, अच्छा लगे तो ग्रहण करना है, नहीं अच्छा लगे सुन के चिंतन मनन करने की कोशिश जरूर करनी है। आज का जिहड़ा विषय वस्तु है गुलामी, चाहे वह तन की हो, चाहे वह मन की हो, कभी भी सुख नहीं दे सकते। बंदोगिरी करके करवाया गया कोई भी काम, चाहे वह पूजा पाठ है, चाहे वह हवन यज्ञ है, जो भी असी अपने मन के नाल कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, उपरों दिखावा जरूर होगा कि असी हवन यज्ञ बैठे हैं। एच ओ च असी हवन यज्ञ नहीं बैठे होवेंगे, दिमाग कितने होर, शरीर कित होर, मन कितने होर होगा, ये सिर्फ अडंबर किए जाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। माता जी का बोल साचे दरबार की जय। अज 9 सितंबर दिन वीरवार माँ पिताम्बरा भगवती बगलामुखी जी के प्रसिद्ध स्थान माँ बगलामुखी धाम, जो कि लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर दे विच हर सप्ताह जिस तरह श्रृंखलाबद्ध दाती की कृपा के नाल हवन यज्ञ होंदा है, अज भी हवन यज्ञ संपन्न होया है। और बड़ी बड़ी दूरों श्रद्धालुओं ने, कोई लुधियाने तो है, अमृतसर तो है, तरन तारण तो है, हुशियारपुर तो है, नवें शहर तो है, नडाले तो है, पलात तो है, बड़ी बड़ी दूरों श्रद्धालु आए सवेर तो ही और यज्ञशाला दे विच अपनी हाजरी दाती दे चरणा दे विच समगरी दे रूप दे विच जिहड़ी आहुतियां डाल के लगवाई है। मैं माँ पिताम्बरा दे चरणा दे विच करबद्ध प्रार्थना करदा कि माँ इस तरह ही अपने सारे श्रद्धालुओं दीआं झोलियां खुशियां नाल भरदे रहो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि कल तो श्री गणेश चतुर्थी का जिहड़ा महोत्सव है, जिहड़ा पहला महाराष्ट्र मनाया जाता सी, हुण पूरे संसार च मनाया जाता है। माँ के दरबार के विच भी श्री गणेश जी की प्रतिमा लिया के स्थापित की जाएगी अगले बुधवार को, और 19 तरीक नूं विसर्जन होएगा। जिदन अनंत 14 है, बाबा सोडल जी का दिन है रविवार, उस दिन उन्हां दा जिहड़ा जल दे विच समर्पित किया जाता है उन्होंने किया जाएगा। कोई भी श्रद्धालु
जिहड़ा श्री गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहता होवे अगले बुधवार तो शाम 7 बजे की आरती गणेश जी की होया करेगी। उस तो बाद लंगर प्रसाद भी होया करेगा। कोई भी भगत जन आ के नतमस्तक हो सकता अपन कोई भी दुख तकलीफा गणेश जी के चरणों के माँ पितांबरा के चरणों रख सकता। आप भी आओ अपने बच्चों परिवार सगे संबंधियों नाल लैके आओ ता जो आके अपनी जिहड़ी समाजिक और संसारिक जिहड़ी साडी ड्यूटी है उन्हें पूरी करिए और जिहड़ा सनातन धर्म है उसका प्रचार और प्रसार हो सके। जय माँ बगला मुखी जी।